हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव फ्रॉम राजटेक। आज हम देखेंगे विंडोज 7 अगर आपका बहुत स्लो हो रहा है तो उसका पीछे क्या कारण है। तो एक कारण है आपका सिस्टम का डिस्क यूजेस। तो अगर डिस्क यूजेस बहुत हाई हो जाएगा तो आपका सिस्टम बहुत बहुत स्लो हो जाएगा। तो डिस्क यूजेस को डिक्रीज करना है, ठीक है। तो कैसे करें, तो पहले देखिए अगर डिस्क यूजेस कैसे चेक करना है, ठीक है। तो देखिए ये स्टार्ट मेनू है, ये आपको नीचे मिलेगा। तो इसमें राइट क्लिक करना है और स्टार्ट टास्क मैनेजर। आप शॉर्टकट की से कंट्रोल शिफ्ट एस्केप एक साथ दबाने से भी ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने टास्क मैनेजर ओपन किया लेकिन अभी तक ओपन नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम बहुत स्लो है, ठीक है। तो देखते मैंने देखा, आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने देखा टास्क मैनेजर जो हार्ड डिस्क का यूजेस है वो बहुत हाई है, इसीलिए सिस्टम काम नहीं हो रहा है। आज दिखाऊंगा कैसे हार्ड डिस्क का जो यूजेस है उसको कमाना है। तो कैसे देखिए, ठीक है। देखने के लिए आपको देखिए कोई भी कुछ भी नहीं चल रहा है, मतलब एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन रन नहीं है, फिर भी सिस्टम ओपन करने के बाद ही स्लो है। मैं प्रोसेस में चला जाता हूँ, सर्विस, ठीक है। देखिए सर्विस के अंदर तो चल रहा है लेकिन लोडिंग में परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के आने के बाद देखिए रिसोर्स मॉनिटर, इसमें क्लिक करना है। मतलब जो कंप्यूटर का जो रिसोर्स है वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है उसका मॉनिटर करने के लिए रिसोर्स मॉनिटर। तो मैं सिंपली रिसोर्स मॉनिटर में क्लिक कर दिया लेकिन ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सिस्टम बहुत स्लो हो गया। अभी आपको मैं फिक्स्ड करके दिखाऊंगा अगर इतना स्लो हो गया इसके पीछे कारण है और इसके लिए कैसे इसको रिजॉल्व करें। तो ओपन हो रहा है, अभी तक ओपन नहीं हुआ। देखिए रिसोर्स मॉनिटर ओपन हो रहा है। तो देखिए फाइनली इस ओपन हुआ। देखिए डिस्क 100% यूटिलाइज हो रहा है। डिस्क जो इस स्लो हो रहा है उसके पीछे कारण है ये डिस्क यूटिलाइजेशन बहुत हाई है। तो आज डिस्क यूटिलाइजेशन अगर हाई है उसको कैसे रिजॉल्व कर देखाऊंगा। देखिए आगे अब अगर मैं गूगल क्रोम में क्लिक किया, ठीक है, क्लिक किया फिर भी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि इतना डिस्क यूटिलाइजेशन हाई हो गया। कब क्लिक कर दिया, देखिए डिस्क 100% है। इसको डिक्रीज करना है, इसको मिनिमम तो आपका 30 के नीचे वो बिलो 40 के रहने से ठीक है। तो आज इसको ऑप्टिमाइज करके दिखाऊंगा कैसे इसको डिक्रीज करना है। देखिए सीपीयू 100%, डिस्क 100%, नेटवर्क में काम नहीं हो रहा है, मेमोरी 74% यूज़, फिजिकल मेमोरी मतलब रैम। तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं इसको। तो क्या करना है इसको फिक्स करने के लिए, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, मिनिमाइज, दोनों मिनिमाइज कर दिया। अभी स्टार्ट में क्लिक करना है और सर्च में आना है, उसमें टाइप कीजिए RUN। देखिए RUN टाइप किया लेकिन अभी तक नहीं आया। तो रन में रन ओपन करना होगा, रन में क्लिक किया। इसमें लिखना है सर भी सेस डॉट एमएससी, उसके बाद ओपन में क्लिक करना। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो सर्विस विंडोज का अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, जिसका जिस और जिस वजह से डिस्क यूटिलाइजेशन हाई हो रहा है उसको मैं अभी डिसेबल कर देता हूं। मैंने ऑलरेडी मेरा ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारा सॉल्व किया, मैंने मान लीजिए 400-500 के ऊपर विंडोज 7 का
स्लोनेस के लिए बहुत सारा टिप्स है, ट्रिक्स है, मैं चैनल में एक एक करके अपलोड कर दूंगा। विंडोज 7 में, विंडोज 8.1 में, विंडोज 10 में कैसे फिक्स करना है। अभी तक ओपन नहीं हुआ। मैं एक काम करता हूँ, ये जो दो है इसको भी क्रॉस कर देता हूँ तो फिर थोड़ा जल्दी होए। तो गूगल क्रोम में मैंने क्लिक किया, वो बैकएंड में काम कर रहा है। तो गूगल क्रोम का जो एक्स है इसको भी अभी के लिए किल कर देता हूँ तो फिर सर्विस मैनेजर ओपन होगा। ये तो इतना स्लो है। मैं दोबारा फिर से कर ओपन हो गया। वो भी नॉट रेस्पॉन्डिंग दे रहा है, देखिए सर्विस नॉट रेस्पॉन्डिंग। अगर ऐसा आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है सर्विस नॉट रेस्पॉन्डिंग कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने, तो देखना होगा आपका जो यूटिलाइजेशन है आपका रिसोर्स का, वो चेक करना होगा, उसके बाद फिक्स करना होगा। जो अगर CPU का प्रॉब्लम है, डिस्क का प्रॉब्लम है, तो उसके रिगार्डिंग क्या करना है मैं दिखा दूंगा। तो अभी देखिए डिस्क लेजन हाई था तो मैंने सर्विस में आ गया। उसके बाद इसमें सर्च करना है W, देखिए विंडोज सर्च, ठीक है, इसको ओपन डबल क्लिक करना है और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में भी जा सकते हो। तो मैंने डबल क्लिक कर दिया, इसमें क्लिक करना है डिसेबल अप्लाई, सर्विस को स्टॉप करना है, स्टॉप में क्लिक कर दिया। तो हो गया। उसके बाद आपको एस प्रेस करना है सुपर फेज। बहुत सारा सिस्टम पे सुपर फेज नहीं मिलेगा, तो अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, आप इसको डिसेबल कर दीजिए। अप्लाई, उसके बाद स्टॉप, तो फिर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। हो गया, ओके। उसके बाद अगर आपका विंडोज़ जेन्युइन है, आपने परचेस किया, तो आप विंडोज़ का जो अपडेट सर्विस है उसको ऑन रखिए। मेरा विंडोज़, मैं अभी इसको डिसेबल कर देता हूँ, अपडेट स्टॉप, ओके कर दिया, कैंसिल। उसके बाद स्टार्ट में क्लिक करना है रन। देखिए अभी बहुत, मतलब उस टाइम पे जो जितना स्लो था उससे थोड़ा फिक्स्ड हुआ। अभी MS कॉन्फिग करना है, लिखना है इसमें, लिखने बाद ओके कीजिए, आप रिजल्ट देख सकते हो। उसके बाद सर्विस में आना है, हाइट, इसमें देखिए मेरा कंप्यूटर में ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, आपको दिखा देता हूँ, माई कंप्यूटर अनइंस्टॉल, ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, इसीलिए मेरा स्टार्टअप में सर्विस में ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मेरा ये सॉफ्टवेयर स्टार्टअप सर्विस में नहीं चाहिए। स्टार्टअप में कुछ भी नहीं है, आप देखिए, आपको स्टार्टअप में अगर बहुत सारा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया वो पूरा का पूरा स्टार्टअप में आ जाएगा। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको स्टार्टअप में रखिए, और अगर आपको VPN कनेक्ट हो रहा है तो VPN सॉफ्टवेयर को स्टार्टअप में रखिए, अदरवाइज जो सॉफ्टवेयर आपका ज़रूरत नहीं है उसको अनचेक करके ओके कर दीजिए। उसके बाद हाइड माइक्रोसॉफ्ट सर्विस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सर्विस है उसको हाइड कर दिया। उसके बाद जो एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किया
उसको जो ज़रूरत नहीं है उसको अनचेक कर दिया। जो एंटीवायरस है वो ओनली चेक रहेगा स्टार्टअप में और वीपीएन का, ओके कर दिया तो रिस्टार्ट पूछ रहे। तो मैं अभी रिस्टार्ट आप दे सकते हो, मैं अभी को दिखाने के लिए इसको रिस्टार्ट करने से ज़्यादा अच्छा आपको पता चलेगा। अभी मैं देखता हूँ रिस्टार्ट किया नहीं, फिर भी आपको परफॉर्मेंस चेक करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट टास्क मैनेजर, सर्विस परफॉर्मेंस, रिसोर्स मॉनिटर, देखिए अभी डिस्क यूटिलाइजेशन देखिए बहुत कम है, 0%, 1% ऐसा आ रहा है। उस टाइम पे क्या हुआ, 100% हो गया। तो बैकएंड में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसके वजह से ये डिस्क यूटिलाइजेशन हाई हो गया। ठीक है, देखिए नेटवर्क सब कुछ ठीक है, डिस्क यूटिलाइजेशन हाई हो गया, सीपीयू यूटिलाइजेशन 5-4, ये फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अभी मैं गूगल क्रोम को ओपन करके दिखा देता हूँ उस टाइम पे क्या गूगल क्रोम में क्लिक के ओपन नहीं हुआ। देखिए गूगल क्रोम ओपन हो गया, अभी इसको बंद कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, एमएस कॉन्फिग में चेक करना है और सर्विस में बंद करना है। उसके बाद आप स्टार्ट में क्लिक कीजिए, उसके बाद रन, ठीक है। उसके बाद जो टेम्पोरली फाइल है वो भी डिलीट कर दीजिए। वो टाइम पे क्या होता, टेम्प लिखना है, उसके बाद सिप डिलीट, ओके हो गया। उसके बाद फिर से रन में आना है, लिखना है परसेंटेज देकर उसके अंदर टेम्प लिखना है। इसको भी चेक ऑन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, ये टेम्पोरली फाइल्स होल्डर्स है। उसके बाद फिर से रन में आना है, मैंने शॉर्टकट कर लिया रन का, इसमें लिखना है PREAPT CH प्रीफेच, ओके। इसको भी सबको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल, डिलीट 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 हो गया, ये सब रिसाइकल बिन में आ गया। फिर भी अगर आपको स्लो हो रहा है राइट क्लिक कीजिए सी ड्राइव के ऊपर, उसके बाद डिस्क क्लीन अप इसमें क्लिक कीजिए। तो जो टेम्पोरली फाइल से ओएस का फाइल से बिन फाइल है सबको स्कैन करेगा, सिस्टम एरो डंप फाइल से सबको स्कैन करके इसको आपको क्लीन अप करना है। इसके लिए डिस्क क्लीन अप यूज़ होता, बहुत ही अच्छा है। देखिए आ गया, इसको चेक ऑन कीजिए सबको। अगर इसको चेक ऑन करने का टाइम पे अगर डाउनलोड बोल के कुछ फोल्डर आए उसको अनचेक कीजिए, नहीं तो आपका जो सिस्टम का डाउनलोड है, देखिए डाउनलोड प्रोग्राम फाइल ऐसे डाउनलोड आएगा, उसमें अगर स्पेस है तो आप उसको अनचेक कर दीजिए। ठीक है, ओके कर दीजिए। हो गया, अभी देखेंगे फिर से रिसोर्स मॉनिटर, राइट क्लिक स्टार्ट। आप देख सकते हो कितना स्पीड में काम हो रहा है, देखिए डिस्क यूटिलाइजेशन क्या है। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कैसे डिस्क यूटिलाइजेशन अगर हाई हो जाए 100% हो जाए इसको डिक्रीज करना है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।